असलम किचन शेफ़ माई सेल्फ नीबा रमान एंड वेलकम टू माई चैनल कुकिंग इज़ माई पैशन आज लेकर आई हूँ मैं आप लोग के लिए एक मज़ेदार हॉट चॉकलेट की रेसिपी जिस विंटर के सीज़न में इस तरह के हॉट चॉकलेट मिल्क जो हैं वो आपको बहुत ही कम्फर्टेबल करते हैं बहुत ही कूजी और सूदिंग फीलिंग आती है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं लेट नाइट कोई भी अच्छी सी किताब ले लीजिए कोई अच्छा सा नॉवेल ले लीजिए कोई स्टोरी उठा लीजिए या आप चाहें तो मूवी इन्जॉय करते हुए विथ ऑल दोज ड्राई नट्स आप इन्जॉय कर सकते हैं इस ज़बरदस्त से ड्रिंक को ये आप इवनिंग स्नैक के तौर पे भी ले सकते हैं और लेट नाइट भी इसे इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही जल्दी बन जाने वाला बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ यहाँ ले लिया है मैंने आधा किलो दूध और इसे मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया था वन पिंच सॉल्ट ऑलमोस्ट 170 सेवेंटी ग्राम मैंने ले लिया है डार्क चॉकलेट जिसे मैंने चंक्स में कट कर लिया था थ्री टेबल स्पून मैंने यहाँ ले लिया था कोको पाउडर उसके अलावा यहाँ मैंने ले लिया है डेढ़ चम्मच कॉर्नफ्लावर और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अप्रोक्सीमेटली वन टेबल स्पून और इसे Uh, पेस्ट बना लिया था यहाँ पर दूध हो चुका था अच्छे से बॉयल यहाँ आप देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हो चुका था तो मैंने इसमें सबसे पहले ऐड कर दिया है डार्क चॉकलेट जिसे मैंने चंक्स में कट कर लिया था बड़े बड़े पीसेस डालेंगे तो वो डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा इसीलिए डिस्गट के आप इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए या फिर आप इसे क्रश कर लीजिए नेक्स्ट मैंने इसमें कोको पाउडर शामिल किया था ये ड्रिंक बहुत ही ज़बरदस्त बनती है बहुत ही कंफर्टेबल और कूजी ये ड्रिंक है आप इसे पियेंगे आपका मूड जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा तो ज़रूर बनाइएगा आपको बहुत मज़ा आएगा इस ड्रिंक को इंजॉय करने में नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया था वन पेंच सॉल्ट और इन तमाम इन्ग्रीडियंट्स को शामिल कर लेने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसे डिज़ोल्व हो जाने देंगे तो हम इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर बीच बीच में स्टेयर करते हुए ओकेजनली स्टेयर करते हुए हम इसे कुक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिज़ोल्व होकर यकजान हो चुके हैं चॉकलेट जो हमने इसमें डाली थी वो अच्छे से डिजोल्व हो चुकी है कोको पाउडर जो है उसका कोई लम्प अब हमारे मिल्क में बाकी नहीं बचा है एवरी इज़ डन नाव वी आर गोइंग टू एड जो हमने कॉर्नफ्लावर घोल के रखा था उससे एक दफ़ा फिर अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे कि ताकि जो नीचे बैठ गया है वो दोबारा से पानी में हल हो जाए एंड देन हम जो हमने चॉकलेट मिल्क तैयार किया था उसमें स्पून चलाते हुए कॉर्नफ्लावर को इसमें ऐड कर लेंगे जैसे ही हमने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किया था एक दो सेकंड ही लगे थे एंड हमारा जो चॉकलेट मिल्क था वो थिक होना स्टार्ट हो चुका था तो ये देखिए ज़बरदस्त सा चॉकलेट मिल्क जो है वो ऑलमोस्ट डन है अभी तक मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं किया था अब इस स्टेज पर जब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं चॉकलेट मिल्क हमारा रेडी हो चुका है तब मैंने इसमें टू एंड हाफ़ टेबल स्पून शुगर ऐड किया था आप चाहे तो शुरू में ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने इस रेसिपी में एंड में ऐड किया था तो ये मेरे लिए इजी हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो डार्क चॉकलेट्स मिलती हैं स्पेशली जहाँ से मैंने लिया था वहाँ डार्क चॉकलेट भी थोड़ी सी स्वीट थी तो इसीलिए पहले मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया था टेस्ट कर लिया था और फिर उसके हिसाब से मैंने इसमें शुगर एंड में ऐड किया था तो आप चाहें अगर तो शुरू में शामिल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर जो है वो हम जल्दी जल्दी तेज़ी से हाथ चलाते हुए शुगर को मिल्क में डिज़ोल्व कर लेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा हॉट चॉकलेट जो है वो तैयार हो चुका है अब हम इसे सर्व करेंगे और ज़बरदस्त सी स्टोरी कोई नावल ले, ले लेंगे एंड देन उसके साथ अपने बिस्तर में घुस कर ब्लैंकेट ओढ़ कर इस ज़बरदस्त से ड्रिंक को एंजॉय करेंगे आप इसे ज़रूर बनाइए कैसी लगी है रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ फिया अल्लाह शब ख़ैर